बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में तय हुआ गठबंधन का नाम। एनडीए के जवाब में विपक्ष ने बनाया इंडिया। इस इंडिया के फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। आवर अलायंस विल बी कॉल्ड द ऑल पीपल हैव एग्रीड टू हैव वन नेम फॉर द अलायंस। अर्लियर वी वर्क्ड with UPA, now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. विपक्षी दलों की बैठक में बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ है लड़ाई, बोले देश में फैल रही है बेरोजगारी। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर आरजेडी ने किया ट्वीट, बताया इंडिया का फुल फॉर्म, कहा अब प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया कहने में भी होगी पीड़ा। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर जेडीयू ने किया ट्वीट, जेडीयू ने बताया इंडिया का पूरा नाम लिखा, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के दूसरे दिन की बैठक में नीतीश, लालू और ममता समेत कई दलों के नेता बैठक में रहे मौजूद। मीटिंग में सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर हुआ मंथन। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होकर पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह भी लौटे पटना। विपक्षी एकता की बैठक में हिस्सा लेने गए थे सभी नेता। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक में शरद पवार भी रहे मौजूद। बैठक के पहले दिन व्यक्तिगत कारणों की वजह से शामिल नहीं हुए थे शरद पवार। पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर के महागठबंधन पर भी बोला हमला। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। बेंगलुरु में विपक्ष के बैठक पर पीएम मोदी का वार, कहा ये लोग बेचते हैं जातिवाद का जहर, भ्रष्टाचार का भी लगाया आरोप। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है, एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। विपक्षी पार्टियों की बैठक पर बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। विपक्ष की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने पर सम्राट चौधरी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बेंगलुरु बुलाकर बेइज्जती की। महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीहत कराई गई। ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे, इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है नीतीश कुमार इसके लिए स्वयं दोषी है। विपक्ष की बैठक पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी बोला हमला, कहा विपक्ष की बैठक में पीएम उम्मीदवार के लिए आपस में ही हो रही है लड़ाई। वो लोग सिर्फ और सिर्फ गद्दी प्राप्त करने के लिए वहाँ होड़ है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन हो, कोऑर्डिनेटर कौन हो। कोई कहता है कि अमुक रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, कोई कहता है कि अमुक रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से रस्सा कसी के स्थिति में उनका बेंगलुरु का बैठक हो रही है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर बिहार में सियासत जारी। विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी हमलावर, जेडीयू एमएलसी ने बीजेपी पर किया पलटवार।
जेडीयू एमएलसी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार का लक्ष्य केवल पीएम मोदी को हटाना, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने संयोजक बनाने की कभी नहीं कही बात। कोई जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी बोला, कभी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला? चर्चा तो हुई नहीं, चर्चा यह नहीं हुई थी, कभी नहीं, न पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में न राज्य परिषद में कभी यह चर्चा नहीं हुई। केवल चर्चा इस बात का हुआ कि नीतीश कुमार जी ने जिस मुहिम की शुरुआत की है उसको अमली जामा पहुंचाना है, कभी नहीं कि मजबूर हो गया भारतीय जनता पार्टी जो कह रहा था कि क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म कर देंगे, आज मजबूर होकर बैठक करना पड़ रहा। विपक्षी बैठक पर सियासी पारा हाई, बीजेपी नेता नितिन नवीन विपक्ष की बैठक पर बोला हमला, का विपक्षी पार्टी के दूल्हा का नहीं है पता। लेकिन इस बैठक का जो सबसे मजेदार विषय है, कहते ना कि बराती तो आ गई, न दूल्हा का पता है न सहवाला का पता है, और न कोई पैर पूजी करने वाला, न कोई कहते हैं जो हम लोग द्वार पूजा, कोई नहीं है। कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार है। एनडीए की बैठक में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत, जीतनराम मांझी ने भी पीएम का स्वागत किया। दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक जारी, बैठक में 38 दल के नेता मौजूद, 2024 की रणनीति पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है एनडीए की बैठक, विपक्ष को पटखनी देने की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली में एनडीए की बैठक पर भी जीतनराम मांझी ने दिया बयान, कहा एनडीए की बैठक में देश की उन्नति पर होगा विचार विमर्श, कहा एनडीए की पार्टियों में आपस में नहीं है मतभेद। यहाँ रसा कसी नहीं है, यहाँ सामंजस्य है और एक उद्देश्य है कि कैसे हम भारत को उन्नत राष्ट्र के रूप में निरूपित करें। चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने का किया ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर जीत का किया दावा। दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40ों की 40 सीट जीते। एनडीए की मीटिंग से पहले चिराग पासवान ने किया बड़ा दावा, हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान ने ठोका दावा, कहा हाजीपुर से एलजेपी रामविलास का होगा उम्मीदवार। यस, हाजीपुर की सीट मेरे लिए एक कंसर्न रहा है और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा हम लोगों ने की है। इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह नहीं है। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान के दावा ठोकने पर बोले पशुपति पारस, कहा किसी भी परिस्थिति में हाजीपुर से लड़ूंगा चुनाव, चिराग का दावा सिर्फ दावा ही रह जाएगा। बिहार में नई शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध शुरू, महागठबंधन के नेताओं ने नई शिक्षा नीति को बताया बाजारीकरण, बीजेपी नेता नमन किशोर यादव ने किया पलटवार। नई शिक्षा नीति के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं के बयान पर नमन किशोर यादव ने बोला हमला, कहा केंद्र की नई शिक्षा नीति के बारे में विपक्ष के लोगों को जानकारी नहीं। प्रदर्शन किया होगा या जिन लोगों ने इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उनको जानकारी नहीं है, या तो बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, नहीं तो एकदम जाहिल है। मोदी सरनेम मामले में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिया अर्जी, राहुल की अर्जी पर सीजीआई सुनवाई को तैयार। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आईएएस के पाठक, वारंट के खिलाफ के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, 7 साल पुराने केस में पटना हाईकोर्ट ने किया था तलब। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने अपने गृह जिले बेगूसराय में कटाव प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, तेघड़ा अनुमंडल के कटाव प्रभावित का लिया जायजा, बिहार सरकार के खिलाफ जमकर साधा निशाना। एनडीए की बैठक पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बेंगलुरु में महागठबंधन को लेकर के भी राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमारे गठबंधन को कोसने वाले खुद 23 दलों का बना रहे गठबंधन। बंगलौर में विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर के झारखंड में भी सियासत जारी, बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेताओं पर कर रहे हमला, झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बैठक पर साधा निशाना। झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी की तारीफ, कहा विपक्ष की बैठक और दिल्ली में हो रही एनडीए की बैठक में अंतर।
लखीसराय में एसटीएफ और पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। 6 पिस्टल, अर्धनिर्मित पिस्टल और 18 कारतूस बरामद। सहरसा के पस्तपार थाने इलाके में प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को मारी गोली, प्रेमी की मौके पर ही मौत। बेगूसराय के लाखो थाने इलाके में एक युवक को प्रेम करना पड़ा महंगा, लड़की के परिजनों ने प्रेमी और उसके परिजनों की जमकर पिटाई। खगड़िया में उत्पाद विभाग का एक्शन, एक बाइक से विदेशी शराब जब्त, बीजेपी का दावा, जब्त बाइक अलौली से। आरजेडी विधायक राम वृक्ष सदा के बेटे रामानुज कुमार के नाम पर। कैमूर के नुवाओ में विवाहिता ने की खुदकुशी, विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वाले पर लगाया हत्याकांड। शेखपुरा के अरेरी थाने के सहसुरामा गांव से लापता विवाहिता का 4 दिन के बाद मिला शव, परिजनों ने ससुराल वाले पर दहेज के बाद हत्या का आरोप लगाया। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, रोहतास पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज थाने के कोटवा पटेड़ा गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को जलाने का लगाया। हथुआ राज्य के महाराजा मृगेंद्र प्रताप शाही के चचेरे भाई की गोली लगने से मौत, मामले की जांच तेज, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुपौल में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट में दोनों ओर से 9 लोग हुए घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के 9 लोग घायल। जमशेदपुर में जहरीले सांपों का आतंक, जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के आरआईटी थाने इलाके में जहरीले सांप ने पति पत्नी को डसा, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पति की मौत। पतरातू में शूटर को पकड़ने के लिए गई हुई पुलिस टीम पर अपराधियों ने किया हमला, छापेमारी कर रही पुलिस टीम में अपराधियों ने की फायरिंग। अपराधियों के हमले में एटीएस के डीएसपी और दरोगा गंभीर रूप से घायल, गोली लगने के बाद दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामगढ़ में एटीएस टीम पर गोलीबारी, मामले की जांच में जुटी सीआईडी की टीम, जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल पर पतरातू पहुंची सीआईडी की टीम। रामगढ़ के पतरातू में एटीएस टीम पर गोलीबारी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हजारीबाग के बरही में पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार युवक की मौत, चोरी के आरोप में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। आरा के संधिया गांव में अपराधी हुए बेखौफ, जमीन विवाद में अपराधी ने महिला को मारी गोली, महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी में आपसी विवाद में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गोली मारकर युवक की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। कैमूर के नुवाओ में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, लड़की के परिजनों ने दहेज को लेकर ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आरा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, बकरी बांधने को लेकर के युवक की हत्या सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची जांच में जुटी। अररिया के जोकीहाट में धान के खेत से मिला अज्ञात महिला का शव, शव मिलने से गांव में फैली सनसनी, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने घर में घुसकर प्रेमी युवक के साथ मारपीट। सरायकेला में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, जिला आबकारी विभाग में चांडल थाना क्षेत्र में की छापेमारी। कटिहार रेलवे स्टेशन पर शातिर ठग ने आर्मी के जवान को बनाया निशाना, शिकायत के बाद रेलवे पुलिस ने मामले का किया खुलासा, रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कैमूर में नकली सिगरेट बनाने वाली कंपनी का खुलासा, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेतिया मनुआपाल ओवरब्रिज के पास हुआ बड़ा हादसा, कार ने 2 बाइक सवार युवकों को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की मौत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पेड़ से टकराने के बाद पलटा गाड़ी, हादसे में ड्राइवर सहित 7 लोग हुए घायल, बारात से वापस लौटे थे सभी लोग। नवादा के रजौली में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत। जमशेदपुर में घर में घुसा जहरीला सांप, घर में सोई पति पत्नी को सांप ने काटा, लोगों ने दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। बेतिया के मंझौलिया पीएचसी परिसर में आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल जारी, 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं आशा कार्यकर्ता। गोपालगंज में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, अपनी मांगों को लेकर के कुछ आयकुट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी सेवा बंद की। सुरक्षा की मांग को लेकर के धनबाद जिला आवास कर्मियों का धरना, 3 दिनों तक कलम बंद कर देंगे धरना। गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड में समन्वयक के पद पर कार्यरत मोहम्मद सिराज अंसारी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। सुपौल में सदर एसडीएम मनीष कुमार के आश्वासन पर कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, कर्मचारियों की 21 जुलाई तक लंबित वेतन का होगा भुगतान। शेखपुर के अररिया प्रखंड के बहादुरपुर गांव में 40 सालों से नहीं हुआ सड़क का निर्माण, गांव के लोग कीचड़ में आने जाने के लिए मजबूर। छपरा से मंडौरा जाना होगा अब आसान, खैरा रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर बिहार सरकार ने ओवर ब्रिज बनाने का लिया फैसला। भागलपुर के रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने किया एसपी कार्यालय नवगछिया का निरीक्षण, डीआईजी ने कार्यालय के अभिलेखों की जांच की। कटिहार के चंदपारा पंचायत की सेविका पूनम कुमारी ने किया सीडीपीओ अनिता कुमारी की सीएम से शिकायत, सीएम ने दिए मामले की जांच के निर्देश।
बगा के जुमरी में टिकुलिया गांव के एक तालाब से मगरमच्छ मिलने से हड़कंप। गंडक नदी से निकलकर तालाब में पहुंचा मगरमच्छ। वन विभाग ने तालाब से मगरमच्छ रेस्क्यू किया। सुल्तानगंज से लगातार वैद्यनाथ धाम जा रहे कांवड़ियों का जत्था पैरों पर हाथ नीचे कर चलते दिखे समस्तीपुर का निहाल। लोग कहते हैं बिच्छू बम। मुंगेर में पहली बार टेंट सिटी का निर्माण। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने लगाया कच्ची कांवरिया पथ पर टेंट। पैदल चलने वाले कांवड़ियों को मिल रहा है फायदा। नालंदा में ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ राजगीर का मलबास मेला। मंत्रोच्चारण के साथ साधु संत ने मेले के लिए किया ध्वजारोहण। राजगीर में मलबास मेले को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़। कुंड में स्नान कर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। श्रावणी मेले को लेकर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की भीड़। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर पहुंच रहे हैं भक्त। इस साल श्रावणी मेले के मौके पर बन रहा अजीब संयोग। 19 सालों के बाद सावन महीने में लग रहा है मलबास। आज से बाबा नगरी देवघर में बंगला श्रावण की शुरुआत। देवघर में 16 अगस्त तक चलेगा बंगला श्रावण मेला। चाईबासा में ग्रामीण विकास विभाग की लापरवाही। स्वीकृति के बाद भी विभाग ने नहीं किया लागू। पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा है लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गृह विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज में बिजली की आंख में चौली जारी। तालझारी और बोरियो प्रखंड के कई गांवों के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। मनिहारी के बघार पंचायत के मुखिया की मनमानी से परेशान वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्यों ने काम में मनमानी का लगाया आरोप। कटिहार में महिला सशक्तिकरण के नाम पर लोगों को निशाना बना रही निजी फाइनेंस कंपनियां। लोन नहीं चुकाने पर लोगों ने फाइनेंस कंपनी पर लगाए धमकाने का आरोप। साहिबगंज के बोरियो में मनाया गया दामिन स्थापना दिवस। केंद्रीय अध्यक्ष शिवचरण मालतो ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। धनबाद के जोरिया बस स्टैंड के शुल्भ शौचालय के भीतर जमीन हुआ गर्म। शौचालय इंचार्ज ने गेट में लगाया खतरा का बोर्ड। धनबाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से ट्रांसफार्मर में हुआ विस्फोट। नवादा में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फुटपाथ दुकानदारों को कराया खाली। शेखपुरा में प्रेस क्लब में जलजमाव। 10 दिनों से टापू बना कार्यालय। छत और छज्जा टूटने से एक महिला हुई घायल। लगातार बारिश से भागलपुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे के गांव में बाढ़ का खतरा। जिला प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के कटाव तेज। सैकड़ों एकड़ खेती और जमीन पर कटाव का मंडरा रहा है खतरा। पूर्णिया के परमान, कनकई और महानंदा नदी में आई उफान। नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव में आई बाढ़। आगरा में डराने लगा यमुना का रौद्र रूप। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली के बाद अब आगरा पर यमुना का अटैक। ताजमहल में घुसा बाढ़ का पानी। ताजमहल घूमने के लिए आए पर्यटक हुए परेशान। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। माता कात्यायनी मंदिर बाढ़ के पानी में डूबा। लोगों में मचा हड़कंप। मुरादाबाद में बारिश बनी आफत। नदियां उफान पर। खेतों में पानी भरने से लोगों की बड़ी दिक्कत। लगातार बारिश से बढ़ रहा है राप्ती नदी का जलस्तर। पानी बढ़ने से सहमे तटवर्ती गांव के लोग। विदिशा में हुई मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सड़कें बनी तालाब। दुकानों और घरों में भरा पानी। कई इलाकों में सड़कें बनी तालाब। लोगों का चलना हुआ मुश्किल। राजस्थान के अजमेर में जमकर बरसे बादल। अलवर गेट पुलिस स्टेशन में भरा पानी। मूसलाधार बारिश में डूबा देहरादून। सड़कें नदियों में हुई तब्दील। शहर के कई हिस्सों में लगा जाम। दुकानों और लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। देहरादून में फिर से होने लगी बारिश। घंटाघर पर भारी जल भराव। लोगों को बारिश से हो रही काफी परेशानी। बारिश के बाद पानी पानी हुई धर्मनगरी हरिद्वार। जल भराव से लोग हुए परेशान। गंगा नदी का भी बढ़ा जलस्तर। हिमाचल में पहाड़ तोड़ा आफत। सिरमौर में भारी लैंडस्लाइड। पहाड़ों से आया मलबा। चंद सेकंड में पूरा रास्ता हुआ जाम। बाल बाल बचे लोग।